आपको क्या मंजूर है, 90 दिन की केयरटेकर या 90? इसमें जो भी आईन और कानून की मुताबिकत है, हमारा तो इस्टेब्लिश स्टांस हमेशा ये है कि तमाम अदारे अपने आइनी तकाजों के अंदर रहते हुए अपना अपना काम करें और जो भी आइन ने तय किया हुआ है उसी के मुताबिक। असेंबलीज आप खुद डिसॉल्व करें तो बाई लॉ 90 डेज है या 60 डेज है? जी 90 डेज। जी तो 90 डेज में आप चाहेंगे कि विद इन 90 डेज इलेक्शन? आइन में चाहने की बात नहीं, वो लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी हल्का बंदियाँ 6 महीने होंगी तो फिर क्या करें? तो फिर इन्हीं हल्का बंदियों पर करवा दें, फिर इन्हीं हल्का बंदियों पर करवा दें। आपकी पार्टी में इस पर इत्तेफाक राय है? मेरा मतलब है जब हो ही नहीं सकता आइन का तोड़ने का, मेरी पार्टी तो नहीं कहेगी। इसमें इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिच है, आपको इस पर एग्जम्पशन चाहिए होगी क्योंकि जब आपका वो सेंसेस वैलिडेट हो जाते हैं नंबर्स तो फिर आपको नई हल्का बंदियों पे जाना पड़ेगा। वो आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर चीज अपनी बरवक्त ना हो सके तो उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि वो इंटेंट ये है कि पाकिस्तान को चलाना ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त देनी पड़ेगी फिर वो भी नहीं जरूरत है, आप कर दें, वो दरखास्तें बाद में होती रहेंगी। तो पार्लियामेंट करवा लेंगे, तैयार हैं इलेक्शन के लिए, जिस दिन आप चाहें करवा दें इसी हल्का बंदी। कभी ना सोचे कि कोई नून लीग इलेक्शन से शायवे कर रही, बिल्कुल भी नहीं, वो फैसला आप ही ने करना, बल्कि हम तो ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं और हम ऐसा कहते रहे। जब ये बचते फिर रहे थे, जब ये रातों हेलीकॉप्टर पर बैठ के कभी और कराची के दौरे कर रहे थे, मिनतें कर रहे थे अपने अलाइज के, हम उस वक्त भी कह रहे थे इलेक्शन करवाएं। जो मतवक्को एक फैसला है वो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने शायद उन दो बड़ों की मीटिंग में हतमी तौर पर तय होना है, वो जो भी फैसला होगा तो करें ना जी, आज या कल वो फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो भी हो आमीन है, जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान के, जो जिस वजह से यह सारा कुछ हुआ है उनको तो बोलना चाहिए ना, माफी मांगनी चाहिए आवाम से।